आज की डेट में क्रेडिट कार्ड होना हर किसी के पास एक ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, एक तो हम जितना भी यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको बाद हम कैश कर सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं। ये भी काफ़ी सिक्योर रहता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं भी रहते हैं तो भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ टाइम तक जो पैसा हम यूज़ करते हैं वो इंटरेस्ट फ्री भी होता है, यानी कि उसके ऊपर ब्याज भी नहीं लगता है। लेना तो अब हर कोई चाहता है, लेकिन जब भी वो बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन बता दी जाती है, इतना प्रोसेस बता दिया जाता है, और यहाँ तक तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको ये बोला जाता है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम है सबसे छुटकारा मिलने वाला है, कि आज इसी वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन की, कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बन के आपके घर पर डिलीवर भी हो जाएगा। साथ में क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए इंस्टेंट लोन चाहिए, जो कि 10-15 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और 1 लाख तक आप ले सकते हो, वो भी बिना किसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट का। मतलब सिंपल कुछ KYC वगैरह चाहिए होता है, पैन वगैरह चाहिए होता है, और आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है, और उसका भी जो इंटरेस्ट रेट रहता है पर डे बहुत कम रहता है। तो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करूँ वो एक ऐप है, एलो। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसने ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के साथ, जितने भी क्रेडिट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, उन सब के साथ उसने टाई अप कर रखा है, और उसकी हेल्प से जिसको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको क्रेडिट कार्ड सुजेस्ट भी करता है, अप्लाई करवाता है, पूरी गाइडेंस और सपोर्ट देता है, और आपका अगर कार्ड चाहिए तो आपको कार्ड बनवा करके देता है, आपको लोन चाहिए तो लोन भी प्रोवाइड करता है, और नंबर 3 पे यहाँ तक कि आपको रियल टाइम मतलब जो भी अपडेटेड ऑफर्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है, कि लाइक अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा तो पहले चेक कर सकते हो किस क्रेडिट कार्ड पे कितना बढ़िया ऑफर है, किस पे हमको ज़्यादा सेविंग होगा। तो दोस्तों आज अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं स्क्रीन पर, पूरा आपको लाइव दिखाता हूँ कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ लगे। तो चलिए चलें एप्लीकेशन में और खोलते हैं प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने YELO येलो ऐप टाइप करना, और इस तरह से जो एप्लीकेशन है आपके सामने वो आ जाएगा, उसको सबसे पहले हमने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे येलो एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो गई है। अगर आप सर्च भी नहीं करना चाहते, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे सीधा आप यहाँ प्ले स्टोर में चले जाओगे, और उसको आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपसे ये मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर एक OTP आता है। OTP को वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पहले लॉगिन करते ही आपने जो इनकी परमिशन है उसको अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा इनका, जहाँ पर आप देख सकते हो पॉपुलर ऑन येलो। यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड है, इंस्टेंट लोन है, एंड ऑफर्स है। तो अगर आपने पहले कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो यहाँ पे योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये आपको पूरा बढ़िया से गाइड कर देंगे, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। उसके बाद में आपने गेट कार्ड पे करना, तो यहाँ पे ये देखिए कार्ड्स की यहाँ पे आपके पास सामने लिस्ट आ जाती है। अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कोई कार्ड लेना, आपने पहले से सोच रखा है, उसके लिए आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का बैंक चूज़ कर सकते हो। यूसेज में आपको किस पर्पज़ के लिए आपको कार्ड को यूज़ करना, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, रिवॉर्ड्स वाला यहाँ पे बढ़िया रहता है, क्योंकि रिवॉर्ड्स में आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो भी आप स्पेंड करते हो उसके बदले में आपको कुछ ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल वाला ले सकते हो, इस पर आपको डिस्काउंट अच्छा मिलेगा ट्रैवलिंग पे या फ्लाइट की बुकिंग पे। ठीक है, उसके बाद में लेवल्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप किस लेवल का कार्ड चाहिए, प्लैटिनम चाहिए आपको, सिग्नेचर कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप मोर पे जाओगे तो यहाँ पे फ़ी पर यानी कि कैसा फीस वाला चाहिए, कम फीस वाला चाहिए आपको, फ्री वाला चाहिए, हाई वाला चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको वीज़ा चाहिए, मास्टर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हो। और उसके बाद में सपोज़ आपको कोई कार्ड यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं सिर्फ एक डेमो के लिए एक्सिस का विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको निकल जाएगी। इसको आप पढ़ोगे ध्यान से, एक एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, जो कि शायद बैंक वाले अगर ऑफलाइन में जाओगे तो वो आपको बताते भी नहीं है। बाद में आपको पता चलता है कि इतना फीस लगेगा, ये कंडीशन वो कंडीशन, लेकिन यहाँ पर सारी के सारी बेनिफिट्स जो भी हैं कंडीशन यहाँ पर पूरा क्लियर कट है। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है वो भी देख सकते हो, एड्रेस में क्या चाहिए, इनकम प्रूफ में क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में क्या चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद सिंपली अपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है, और ये आपको ले जाएगा फॉर्म के ऊपर, जहां पे अपने फॉर्म सबमिट करना होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कॉल आती है बैंक की तरफ से, कुछ वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद में आपका जो भी है कार्ड वो प्रोसेस हो जाता है, और आपके एड्रेस पर वो चीज़ जो आपकी क्रेडिट कार्ड है आपका वो डिलीवर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से हम वापस डैशबोर्ड में आते हैं, और अब हम चेक करते हैं इंस्टेंट लोन्स वाले को। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जितना भी मतलब लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन सबके साथ इसका टाई अप है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट भी है, मनी इन मिनट्स है,
स्पेसिफिक, फ्लेक्स सैलरी है, मनी टैप है, क्यूबेरा है, पेशेंस है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको रेकमेंड करूँगा, क्रेडिट बी और पेशेंस, इनका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है मार्केट में। क्रेडिट बी पे आप देख सकते हैं, अगर क्रेडिट बी पे हम क्लिक करते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कितना आपका पर डे का इंटरेस्ट पड़ेगा, कितनी आप अमाउंट ले सकते हो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है, आइडेंटिटी में एक चीज़ चाहिए, या तो आधार या पैन। सपोज आपके पास आधार होगा, प्रूफ एड्रेस में भी आप आधार या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। इनकम प्रूफ में आपको सैलरी का सर्टिफिकेट देना है, बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी, किस किस जगह पे अवेलेबल उसकी लिस्ट भी यहाँ पे, कवरेज एरिया आप देख सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई होते हो, अगर आपको लेना है तो सिंपली आपने यहाँ पर डाउनलोड ऐप पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, अपना लोन अप्लाई कर देना और 10 से 15 मिनट में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद में फिर से एक बार डैशबोर्ड में चलते हैं, यहाँ पे एक ऑफर्स वाला सेक्शन दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऑफर्स में देख सकते हो जैसे कि ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज है यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो और बेस्ट कार्ड चूज करने में आपको ये हेल्प करेगा, या फिर अगर आपके पास कार्ड है तो इनको देख करके आप अपना जो भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो जिसमें आपको बढ़िया बेनिफिट मिल सके। तो ये सारा था इनका मेन, जहाँ पे आपको जितनी भी आपको ज़रूरतें थी क्रेडिट कार्ड के लोन की, शॉर्ट टर्म लोन की, यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया होता है, सेफ़ एंड सिक्योर होता है, और यहाँ पे जब भी हमको ज़रूरत होती है या फिर कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए जाते जाते इस ऐप को एक रेटिंग दे देते हैं बढ़िया सी, क्योंकि वाकई में यह बढ़िया काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ 5 स्टार और एक बढ़िया सा रिव्यू दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं एक्सीलेंट ऐप, ओके। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पोस्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को देखने के बाद फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी क्वेरीज़ को टाइप करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरीज़ का आंसर दे सकूं। और बस लास्ट में यही कि आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई कर लें, डाउनलोड करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।